सरकार की तरफ से काफी संख्या में बसों को उतारा गया है रास्ते पे, बावजूद इसके यात्रियों को, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है दफ्तर जाने के लिए या फिर दफ्तर के बाद अपने घर पहुंचने के लिए। आप देख पा रहे हैं खुद यहाँ पर कि कितनी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कुछ लोग आधे घंटे से खड़े हैं, कुछ लोग एक घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कब उनके घर तक जाने वाली बस आएगी भी या नहीं। मैं अपने कैमरामैन रवि को कहूँगी दिखाने के लिए कि इस प्लानेट का एरिया है। अभी हम खड़े हैं केसी दास के पास, यहाँ पे काफी संख्या में यात्री खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक बस में चढ़ने के लिए, ये पीली बस है और स्कूल बस है और इस तरह से बस में पब्लिक को ले जाया जा रहा है, जो कि ऐसा करना सही भी नहीं है। ये पीली बस को उतारा गया है पब्लिक को ले जाने के लिए। कई सारे यात्री हैं जो काफी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ यात्री से हम बात करेंगे जो काफी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट। क्या बस नहीं आ रही? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। हाँ, डेली ऐसी प्रॉब्लम होता है। सॉल्ट लेक सेक्टर 5। एक और यात्री से बात कर रहे हैं। हम उबर का इंतजार कर रहे हैं, उसने कैंसिल कर दिया और अभी आसपास कोई उबर है भी नहीं। 30 मिनट का वेटिंग बता रहा है, तो अभी हम परेशान हैं, देख रहे हैं अब क्या करना है हमको। आपने सुना कि ये केवल बस की नहीं उबर की भी समस्या है, उबर कैंसिल कर दिया है और ये करीबन आधे घंटे से खड़े हैं। अब ये सोच रहे हैं कि किस माध्यम से होकर अपने घर जाएंगे। ये केवल इन्हीं की परेशानी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो रोजाना इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बस में जो कि इतना ज़्यादा, जो पहले भी नॉर्मल जो भीड़ होता था उतना ही है और बस बहुत कम है, मेट्रोज नहीं चल रहे, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली मेरा ऑफिस जो है वो डलहौसी में है, ठीक है, तो अभी तो खुला नहीं है, बट बस में नहीं ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े इसलिए मैं पैदल ही ज़्यादा कहीं पे भी जा रही हूँ। मैं इवनिंग वॉक के लिए भी जाती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ, हालांकि बस मुझे ट्रैवल करना पसंद भी नहीं है। और प्लस ये कोरोना वायरस की वजह से मुझे डर रहा था कि कितने लोग चढ़े हैं, अगर मैं भी उस जगह पे चढ़ूंगी तो मुझे अगर हुआ तो मेरे आसपास के लोगों को भी होने का चांसेस है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सविता सलमार इस प्लानेट से।